प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में किसान आंदोलन पर अपने विचार रखे। पीएम मोदी ने कहा, विपक्ष ने किसानों को समझाने के बजाय इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति की। कांग्रेस का नाम लिए बिना पीएम मोदी ने कहा, कुछ लोगों ने अचानक से इस मुद्दे पर यू टर्न ले लिया, जिससे मुझे हैरानी हुई। पीएम मोदी ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की है। उत्तराखंड के चमोली में रविवार को हुए हादसे के बाद दूसरे दिन सोमवार को रेस्क्यू जारी है। अब करीब 2.5 किलोमीटर लंबी दूसरी सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। यहां पर 40 से 50 मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। बताया जा रहा है इस जगह पर 191 लोग मौजूद थे। भारत में महज 23 दिन में 58 लाख से ज्यादा हेल्थ केयर और रफ फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। भारत सरकार ने ट्विटर को कड़ी चेतावनी देते हुए पाकिस्तान समर्थित और खालिस्तानी हमदर्दों के अकाउंट को बंद करने के आदेश दिए। अगर ट्विटर ने अकाउंट जल्द से जल्द बंद नहीं किए तो कंपनी पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, अगर पीएम नरेंद्र मोदी बातचीत करना चाहते हैं तो हमारा मोर्चा और कमेटी बातचीत करने के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी कहा, सरकार MSP पर कानून बनाए, यह किसानों के लिए फायदेमंद होगा। जम्मू में करीब 11 माह के अंतराल के बाद आज से प्राथमिक कक्षाओं के लिए भी सभी स्कूल खोले गए। प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने इस बाबत सभी स्कूलों को अहम प्रोटोकॉलों का पालन करने की भी हिदायत दी है। उत्तराखंड में मची तबाही पर बीजेपी नेत्री उमा भारती ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, ग्लेशियर टूटने से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा, मंत्री रहते हुए वह इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के खिलाफ थी। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने चांदी चौक में किसानों के समर्थन में पैदल मार्च किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर ने जेल में बंद पंजाब के किसानों को लेकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, पंजाब के मुख्यमंत्री की यह जिम्मेदारी है कि वो दिल्ली आए और पंजाब के निर्दोष युवाओं पर दर्ज मामलों को वापस कराए।